नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डिफनेस मतलब हियरिंग लॉस के बारे में जानकारी दूंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें कान से आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब आवाज़ यानी साउंड वेव हमारे कान के थ्रू अंदर जाती है तो इनर ईयर में वो एक प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो ब्रेन तक जाती है और ब्रेन में हमें समझ में आता है कि हमने क्या सुना है। ऐसे करके हमें आवाज़ जो है वो सुनाई देती है और हम समझ पाते हैं शब्दों को। जैसे आप मेरे शब्दों को समझ पा रहे हैं अभी, तो आपके मोबाइल से साउंड वेव निकल रही है जिसमें मेरी आवाज़ है। वो आवाज़ दोस्तों, वो साउंड वेव आपके कानों के अंदर से जा रही है। पहले एक्सटर्नल ईयर के अंदर से जा रही है, फिर मिडिल ईयर आता है, मिडिल ईयर से होते हुए वो कानों के अंदर अभी भी जा रही है आपके, और फिर उसके बाद वो इनर ईयर लैब्रेथिन तक जा रही है। लैब्रेथिन में वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद वो आपके ब्रेन तक वेव्स मतलब तरंगे छोड़ती है और ब्रेन जो है वो समझ पा रहा है मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे हम सुनते हैं किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को, और ऐसे हम समझते भी हैं सुन के हर चीज़ों को। तो दोस्तों, अगर हम सुन ना पाएँ, हम कम सुन पाएँ या बिल्कुल भी ना सुन पाएँ तो उसको डिफनेस बोलते हैं। मतलब दोस्तों, हम सुनने की जो हमारी क्षमता है वो कम हो जाए या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, हम किसी भी शब्द को या किसी भी सेंटेंस को बिल्कुल भी ना सुन पाए तो उसको दोस्तों डिफनेस मतलब हियरिंग लॉस बोलते हैं और हिंदी में बहरापन भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर बच्चों में बचपन से ही अगर उनको हियरिंग लॉस हो, उनको बहरापन हो, तो वो बोल भी नहीं पाते। हालांकि उनका गला, उनका टंग बिल्कुल सही रहता है, उनका बोलने का जो ऑर्गन है वो बिल्कुल सही रहता है, लेकिन फिर भी जब वो कुछ सुन नहीं पाएंगे, जब वो कुछ शब्द समझ ही नहीं पाएंगे तो वो बोल कैसे सकते हैं। दोस्तों, आपको बहरापन मतलब डिफनेस हियरिंग लॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके कॉजेस की तरफ कि क्या कारण होते हैं बहरापन के। उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलेंगे, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी है बहरापन मतलब डिफनेस के लिए। दोस्तों, सबसे पहला कारण होता है डिफनेस का एज मतलब उम्र। उम्र जो है, अगर आपकी 50 साल से ज़्यादा है तो आपको डिफनेस हो सकती है। हो सकता है कि वो पैराइटल हो, मतलब आपको हल्का हल्का सुनाई दे रहा हो, हो सकता है कि पूरी तरीके से सुनाई ना दे रहा हो सकता है कि ठीक ठाक सुनाई दे रहा हो, लेकिन डिफनेस आपको हो सकती है। तो दोस्तों, दूसरा कारण होता है नॉइज़ पॉल्यूशन। अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ, सामने हार्डवेयर की दुकान है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और अगर वो नॉइस पोल्यूशन, एक नॉइस की एक यूनिट होती है उसको बोलते हैं DBA, तो DBA यूनिट है नॉइस को नापने के लिए। अगर वो यूनिट 100 DBA से ज़्यादा हो और उससे आप लगातार 100 आपके एरिया का एटमॉस्फेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, अगर उस आवाज़ की जो इंटेंसिटी है 100 dBA से ज़्यादा है और वो लगातार आप वहाँ पर काम करते हैं 8 घंटे, दोस्तों आपको लगभग 10 साल की नौकरी के बाद धीरे धीरे डिफनेस मतलब हियरिंग लॉस होने लगेगा। तो तीसरा कारण है जेनेटिक मतलब अनुवांशिक। अगर आपके मम्मी पापा बहुत जल्दी उनको डिफनेस हुआ है, बहुत जल्दी उनको हियरिंग लॉस हुआ है, यानी उनके 50 साल आते आते उनका कान जो है अच्छे से सुनना बंद कर दिया है और उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी डिफनेस हो सकता है। तो अगर आपके मम्मी पापा को हियरिंग लॉस या डिफनेस की प्रॉब्लम हो तो आपको भी दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, बच्चों में जो बच्चे बचपन से पैदा होते ही उनको सुनाई अच्छे से नहीं देता और आगे चल के वो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, उनका कारण होता है कि अगर वो प्री मैच्योर बेबी हो, मतलब वो समय से जल्दी पैदा हो गए हो, तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डिफनेस होने के। और दोस्तों, जो डिलीवरी के समय जो हेड इंजरी हो जाती है बच्चों को, जो सही तरीके से केयर नहीं किया जाता डिलीवरी के समय में, उसके कारण बच्चों को भी डिफनेस हो सकती है। कुछ वायरल डिसीज़ है दोस्तों, जैसे मीजल्स, जैसे मम्स, जैसे रूबेला, HIV वायरस, इन सब के कारण भी डिफनेस होती है। तो ये थे कुछ कॉजेज, ये थे कुछ कारण डिफनेस के। अब चलते हैं दोस्तों लक्षण की तरफ, साइन एंड सिम्टम्स की तरफ कि क्या हमें महसूस होगा, क्या समझ में आएगा अगर हमें बहरापन है तो। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है कि अगर हमें बहरापन होगा तो हमें सुनाई अच्छे से नहीं देगा, हम साउंड को समझ अच्छे से नहीं पाएंगे, हम अगर टेलीफोन में बात करते हैं या हम मोबाइल में आजकल बात करते हैं तो हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर हमारे सामने कुछ आदमी बात करते हैं, अगर मेरे पास भी एक
अगर ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको डिफ्रेंस है तो मुझे लिख के समझाना पड़ता है कि सर ये मेडिसिन ऐसे ऐसे खानी है, तो उनको समझने में दिक्कत होती है, उनको सुनने में दिक्कत होती है। अगर आपको डिफ्रेंस है तो आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है दोस्तों, सुनने में दिक्कत एक कान में भी हो सकती है या दोनों कान में भी हो सकती है दोस्तों। हियरिंग लॉस के साथ आपको टाइनेटस भी हो सकता है। टाइनेटस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड इन ईयर, मतलब आपको रिंगिंग एक सनसनाहट सी आपको कान के अंदर हमेशा सुनाई देती रहती है और आपको एक ऐसा लगता है जैसे कान बझा हुआ है। बझा शब्द हिंदी में लेते हैं तो बझा हुआ ऐसा लगता है कि कुछ अंदर भरा हुआ है और एक सनसनाहट सी आपको अगर महसूस होती है तो उसको हम टाइनेटस बोलते हैं। एक रिंगिंग साउंड अगर आपको महसूस होती है, हालांकि मैंने एक वीडियो डाल दिया था तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ उसका लिंक, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको डिफनेस के साथ टाइनेटस की भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्त, डिफनेस के साथ आपको टाइनेटस और साथ में आपको चक्कर भी आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कान में इन्फेक्शन के कारण जो सुनाई नहीं दे रहा है तो इसमें आपको कान में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण आपको कान में दर्द हो सकता है, साथ में सुनाई भी नहीं दे रहा। दोस्तों एक पेशेंट मेरे पास हमेशा आते रहते हैं जिनको डिफनेस की प्रॉब्लम है। जब उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो उन्होंने एक साइन बताया था कि उनको डबल साउंड सुनाई देता है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको तो एक शब्द के दो शब्द अलग से सुनाई दें और फिर उसके बाद हल्के से मिल जाए, ऐसा उनको कुछ सुनाई देता है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम होती है, डबल साउंड की प्रॉब्लम होती है। जब उनके कान के पास जाके बोलो तो क्लियर साउंड सुनाई देती है लेकिन थोड़े दूर से उनको डबल साउंड सुनाई देती है। दोस्तों ये थे लक्षण डिफनेस के। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है बहरापन, मतलब डिफनेस के लिए चिनोपोडियम, और चिनोपोडियम आपको 6 potency में लेनी है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर हमें अच्छे से सुनाई ना दे, हमें डिफनेस हो या पूरी तरीके से सुनाई ना दे, साथ में टाइनेटस हो, मतलब आपको कान में एक रिंगिंग मतलब एक घंटी जैसी बजती रहती हो गूं करके, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है चिनोपोडियम दोस्तों। चिनोपोडियम को आपको 30 या 6 potency में लेना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 6 potency चिनोपोडियम 6 CH आप ले होम्योपैथिक शॉप में जाके, 2 बूंद दिन में 3 बार लगातार 6 महीने तक लें, आपका डिफनेस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। खासकर अगर वो माइनस डिसीज़ के कारण है, खासकर आपको टाइनेटस हो रहा है मतलब रिंगिंग साउंड सुनाई दे रहा है, तो चिनोपोडियम डिफनेस के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है चिनिनम सल्फ। चिनिनम सल्फ दोस्तों माइनस डिसीज़ में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको माइनस डिसीज़ होता है मतलब आपको वर्टिगो चक्कर आते हैं, साथ में टाइनेटस है, साथ में आपको डिफनेस भी हो रही है, तो चिनिनम सल्फ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको अगर सुनाई अच्छे से ना दे तो चिनिनम सल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप पूरी तरीके से बहरे हो चुके हो तब भी चिनिनम सल्फ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। चिनिनम सल्फ अगर आपको 3x potency में 3x trituration में मिल जाती है तो उसको 2-2 गोली दिन में 3 बार लें। अगर आपको 3x trituration में नहीं मिलती है, 30 CH में मिलती है, तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें दोस्तों। एक मेडिसिन है हाइपेरिकम, और इसके बारे में आप सब जानते हैं, ये नसों की दवा है, नर्व्स की दवा है, ये नर्व्स में जाके असर करती है और नर्व्स को ठीक करती है दोस्तों। एज के बाद मतलब 60 साल के बाद जो डिफनेस होती है वो नसों की कमज़ोरी के कारण होती है या लैब्रिथिन की कमज़ोरी, इनर ईयर की कमज़ोरी के कारण होती है। इस कंडीशन में हाइपेरिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हाइपेरिकम यूज़ करें 200 potency में। अगर आपकी एज ज़्यादा है और एज के कारण आपको डिफनेस हो रही है, एज के कारण आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो हाइपेरिकम यूज़ करें 200 potency में, 200 potency में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लें। लगभग आपको 1 से 3 महीने तक लेना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट मिलता है, आपको लगता है कि नहीं सुनाई देने लगा है, तो आप 6 महीने 1 साल तक भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक मेडिसिन है बैराइटाकार्ब, इसके बारे में भी आप सबको ही जानते हैं। अगर एज हो गई है आपकी और एज के कारण मतलब 60 साल के बाद आपको हेयरिंग लॉस हो रही है, सुनाई कम दे रहा है, तो बैराइटाकार्ब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। बैराइटाकार्ब में पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो जाता है, पहले सुनाई कम देता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पूरी तरीके से सुनाई देना बंद हो जाता है दोस्तों। बैराइटाकार्ब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जिनकी एज जो है वो 70 साल से ऊपर हो गई है या 60 से 70 साल के बीच में भी है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। बैराइटाकार्ब को आप 200 potency में, 200 potency में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। और दोस्तों एक मेडिसिन है कालीफॉस, और इसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप सब जानते हैं कालीफॉस क्या होता है। कालीफॉस एक बायोकेमिक मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नर्व्स के लिए, नसों के लिए एक टॉनिक है, नर्व टॉनिक इसको बोलिए, नर्व टॉनिक है और नसों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपकी एज ज़्यादा है, 60 और 70 ईयर्स के हैं और आपको डिफनेस की प्रॉब्लम है, तो कालीफॉस लीजिए 30x potency में, 30
और एक्स पोटेंसी में लीजिए, बायोकेमिक मेडिसिन में लीजिए, 6 गोली दिन में 2 बार, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको 6 महीने तक लेना है, आपका डिफनेस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक ईयर ड्रॉप के बारे में बताऊंगा और उस ईयर ड्रॉप का नाम है मुलेन ईयर ड्रॉप। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव ईयर ड्रॉप होता है डिफनेस में, अगर आपको अच्छे से सुनाई नहीं देता है तो मुलेन मदर टिंचर या मुलेन का अर्ग जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। दोस्तों आपको माइनस डिसीज़ है या आपकी एज ज़्यादा है या आपकी एज कम है, अगर आपको डिफनेस है तो मुलेन ईयर ड्रॉप डालें। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, 2 बूंद कान में डालना है दिन में 2 बार, सुबह शाम दोनों कान में डालें, लगातार 6 महीने तक आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे मुलेन ईयर ड्रॉप के। दोस्तों लास्ट में मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि मैं डिफनेस के पेशेंट आते हैं मेरे पास तो मैं क्या देता हूँ। दोस्तों अगर आपको माइनस डिसीज़ है या आपको टाइनेटस है तो आप चिनोपोडियम 6 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करिए और चीनम सल्फ यूज़ करें 3x पोटेंसी में 2 गोली दिन में 3 बार, लगभग 6 महीने तक आप यूज़ करेंगे तो आपको माइनस डिसीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको एज के कारण डिफनेस की प्रॉब्लम है तो आप हाइपेरिकम 200 2 बूंद दिन में 2 बार यूज़ करें, साथ में बेराइटा कार्ब 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह यूज़ करें, साथ में कालीफॉस 30x आपको 6 गोली दिन में 2 बार यूज़ करना है और मुलेन ईयर ड्रॉप जो है दोस्तों वो आपको 2 बूंद दिन में 2 बार डालना है कान में, ये लगभग 6 महीने तक आप यूज़ करेंगे तो आपका डिफनेस पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और दोस्तों अगर बच्चों को अच्छे से सुनाई नहीं देता और सुनने के साथ साथ वो बोल भी नहीं पाते हैं तो वो बेराइटा कार्ब 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह यूज़ करें, कालीफॉस 6x पोटेंसी में यूज़ करें, 30x में नहीं 6x पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार यूज़ करें और साथ में आर्निका 30 2 बूंद दिन में 3 बार, ये मेडिसिन लगभग 6 महीने तक बच्चों को दे, उनका डिफनेस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको डिफनेस मतलब बहरापन पूरी तरीके से समझ में आ गया हो और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी अच्छे से समझ में आ गई हो। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ, तो अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो आप मेरे चैनल में आके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं। तो अगर आपको किसी तरह के सवाल पूछने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, आप सवाल पूछ सकते हैं और पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। बगल में एक शेयर का बटन दिया गया है तो आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के अकाउंट में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।